नमस्कार स्वागत है आपका महुआ खबर में मैं हूं ऋषि सिंह आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उनतीस राज्यों की टॉप खबरों से राजद के सुप्रीमो लालू यादव ने एनडीए सरकार को घेरा रेलवे को लेकर कहा सेफ्टी और सिक्योरिटी घटाने पर रोज हो रहे हैं हादसे उत्तराखंड सरकार ने की बड़ी कार्रवाई सरकार ने दो अरब रुपए से ज्यादा की कीमत वाली के जमीन को कराया कब्जे से मुक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका परमानंद गर्ग सपा छोड़कर बसपा में हुए शामिल शहर विधानसभा सीट के बने प्रभारी राजस्थान में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया हिंदू समाज को संदेश भागवत ने कहा कि अगर सुरक्षित रहना है तो भाषा, जाति और के और के विवादों को खत्म करके एकजुट होना होगा मध्य प्रदेश के जांजगीर चांपा में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की चोरी का मामला आया सामने फर्जी बैंक खोलकर युवाओं से ठगी का मामला एक को पुलिस ने किया गिरफ्तार छत्तीसगढ़ में जल जागर अभियान की हुई शुरुआत सीएम विष्णुदेव साय ने धमतरी में आयोजित जल जागर महोत्सव में इस अभियान की की शुरुआत सीएम साय ने कहा कि जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जिला प्रशासन धमतरी द्वारा जल जागर महोत्सव मनाया जा रहा है तमिलनाडु में नीलम्बुर विधायक पी वी अनवर ने डीएमके और आई नेताओं के साथ किया विचार विमर्श अपनी नई पार्टी के शुभारंभ से पहले की मुलाकात कर्नाटक के मंगलुरु में पूर्व कांग्रेस विधायक अहुद्दीन बाबा के बिजनेसमैन भाई हुए लापता जंगल में मिली कार पुलिस जांच में जुटी कांग्रेस विधायक ने सोने की तस्करी टिप्पणी को लेकर छिड़े विवाद के बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने दिया बड़ा बयान कहा मीडिया इस मुद्दे पर झूठी कहानी फैला रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव में सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस बना सकती है सरकार कांग्रेस को 50 से अठावन सीट मिलने का है अनुमान ओडिशा के कोयडा फॉरेस्ट रेंज में दंतेल हाथी का आतंक दंतेल हाथी के हमले से एक ग्रामीण की हुई मौत दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में हुए पेश बीजेपी पर जमकर साधा निशाना अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो गई पंजाब में किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार ने की नई पहल सरकार 50 से 80 फीसदी सब्सिडी पर मशीनरी करवाएगी मुहैया मणिपुर के उखरूल में हुए हिंसा में लूटे गए 80 प्रतिशत हथियार पुलिस ने किए बरामद भीड़ ने मणिपुर पुलिस स्टेशन से लूटे थे 16 हथियार मिजोरम में पकड़े गए छह दशमलव छह पांच करोड़ रुपए की पार्टी ड्रग एक विदेशी नागरिक समेत दो लोग हुए गिरफ्तार असम के सीएम ने हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना कहा कांग्रेस मुसलमानों को देगी सत्ता और बाप बेटी की होगी सरकार आई तो हरियाणा में होगा पाकिस्तान जिंदाबाद कोलकाता अर्जी कर केस में हुआ बड़ा खुलासा पहले भी कई महिला डॉक्टर हो चुकी हैं यौन शोषण का शिकार गोवा के पूर्व आरएसएस चीफ सुभाष बेलिंगकर हुए फरार सेंट फ्रांसिस जेवियर को लेकर की थी विवादित टिप्पणी सीएम प्रमोद सावंत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में एक भक्त ने प्रसाद में कीड़े मिलने का लगाया आरोप जिसे प्रशासन ने सिरे से खारिज कर दिया है वहीं टीडीटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये पवित्र संस्था को बदनाम करने और भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का जानबूझ प्रयास किया गया है त्रिपुरा में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की जहां उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम की किताबों में भील प्रदेश के उल्लेख की समीक्षा कर ठीक करेंगे हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पीएम पर साधा निशाना कहा पीएम बड़े कद के आदमी उन्हें बड़े कामों पर ध्यान देना चाहिए मेघालय में बाढ़ और भूस्खलन से 10 लोगों की हुई मौत सीएम एम कॉनराड के संगमा ने स्थिति की समीक्षा की और जिला अधिकारियों को सरकार से आवश्यक सहायता लेने का निर्देश दिया तेलंगाना के हैदराबाद में हिंदू धर्मगुरु यती नरसिंहानंद पर एफआईआर दर्ज असदीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ए ने पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कराई थी शिकायत दर्ज अरुणाचल प्रदेश के रूपा ब्योर विश्व की शीर्ष दस पूम से रैंकिंग में प्रवेश करने वाली पहली ताइकॉन्डो एथलीट बनी अभी विश्व में 9वें स्थान पर है रूपा ब्योर गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास अवैध निर्माण पर हुए बुलडोजर एक्शन पर भड़के सुप्रीम कोर्ट का आदेश की अवमानना हुई तो जिम्मेदार जेल जाएंगे गुजरात सरकार से मांगा जवाब महाराष्ट्र के अमरावती में पुलिस पर पथराव इक्कीस पुलिस वाले हुए घायल हिंदू संत के विवादित बयान से भड़के लोगों ने किया पथराव बारह सौ लोगों पर केस दर्ज भाजपा ने झारखंड के लिए जारी किया पंचप्रण महिलाओं को हर महीने मिलेगा गए इक्कीस सौ रुपए सस्ते होंगे सिलेंडर युवाओं को रोजगार और आवास का दिया है वादा मणिपुर नागालैंड सीमा क्षेत्र में भूकंप के झटके किए गए महसूस रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता तीन मापी गई जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बना सकती है सरकार गठबंधन को 35 से 40 सीट मिलने का है अनुमान अभी के लिए फिलहाल इतना ही जल्द वापस आएंगे तमाम खबरों के साथ बने रहिए है महुआ खबर पर धन्यवाद